हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज तरुण पटेल। आज हम बेसिक मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के अंदर वेक्टर चैप्टर में एक टॉपिक देखने वाले हैं। ये टॉपिक का नाम है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर्स। इसका एक एग्जांपल हम देखेंगे। चलो दोस्तों, एग्जांपल की शुरुआत करते हैं। इफ ए बार इज इक्वल टू 3i माइनस j माइनस 4k, बी बार इज इक्वल टू माइनस 2i प्लस 4j माइनस 3k एंड सी बार इज इक्वल टू माइनस आई प्लस टू जे माइनस फाइव के, देन फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर ए बार प्लस टू बी बार माइनस सी बार। हमको यहां डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर फाइंड करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले यहां ए बार प्लस टू बी बार माइनस सी बार फाइंड आउट करना पड़ेगा, बाद में उसका मॉड्यूलस लेना पड़ेगा, और इसके बाद एल एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस वेक्टर। तो L इज इक्वल टू, हम सेपरेट अलग अलग तीन वेक्टर लेंगे, L, M, N, N। तो चलो शुरुआत करते हैं। हियर A बार इज इक्वल टू, हियर A बार हमारा क्या है 3i माइनस j माइनस 4k। तो इसके लिए हम इस फॉर्म में हम लिखेंगे 3 माइनस 1 माइनस 4। B बार हमारा क्या है? B बार हमारा है माइनस 2i प्लस 4j माइनस 3k। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे माइनस 2 कोमा 4 कोमा माइनस 3। और सी बार हमारा क्या है? सी बार इज इक्वल टू माइनस i प्लस 2j माइनस 5k। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? माइनस 1 कोमा 2 कोमा माइनस 5। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है? पहले हमको ए बार प्लस टू बी बार माइनस सी बार फाइंड आउट करना है। चलो उस फाइंड आउट करते हैं। लेट ए बार प्लस टू बी बार माइनस सी बार इज इक्वल टू, ए बार हमारा क्या है 3 कोमा माइनस 1 कोमा माइनस 4 प्लस 2, बी बार हमारा है माइनस 2 4 माइनस 3 माइनस 2 4 माइनस 3, और सी बार हमारा क्या है प्लस माइनस सी बार, सी बार हमारा है माइनस 1 कोमा 2 कोमा माइनस 5। तो इसका हम एडिशन करते हैं तो क्या होता है? डायरेक्टली स्टेप हम लिख सकते हैं, यहां 3 माइनस 1 माइनस 4, यहां 2 के साथ सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लिकेशन यहां करना है, माइनस 4 8 और माइनस 6, लास्ट में माइनस माइनस 1 कोमा 2 कोमा माइनस 5। उसका हमको एडिशन यहां करना है, तो हम क्या करेंगे? यहां 3 प्लस माइनस 4 प्लस 1, फर्स्ट एलिमेंट हमने लिया 3 माइनस 4 प्लस 1, सेकंड में माइनस 1 प्लस 8 और माइनस 2, और यहां थर्ड में क्या एलिमेंट्स है? माइनस 4 माइनस 6 और माइनस माइनस प्लस 5। तो अब हम क्या करने वाले हैं? उसका एडिशन करेंगे। 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 4 0 यहां होता है, यहां माइनस 3 प्लस 8 इज इक्वल टू प्लस 5, और यहां माइनस 10 प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 5। ये हमको क्या मिला? a बार प्लस 2b बार माइनस c बार। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है? उसका मॉड्यूलस फाइंड आउट करना है। तो उसका मॉड कैसे लेते हैं? मॉड ऑफ a, देयरफॉर मॉड ऑफ a बार प्लस 2b बार माइनस c बार इज इक्वल टू, अंडर रूट लेते हैं, अंडर रूट में जो सारे एलिमेंट्स है उसका हम स्क्वायर करते हैं, तो यहां 0 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस माइनस 5 स्क्वायर। तो इसका हम टोटल करते हैं तो क्या होता है? 0 प्लस 25 प्लस 25, तो यहां होता है रूट 50। उसका हम परफेक्ट स्क्वायर रूट अगर निकालना है तो हम निकाल सकते हैं 5 रूट 2।
तो हमको मॉड ऑफ ए बार प्लस टू बी बार माइनस सी बार हमको 5√2 मिला। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस वेक्टर। इफ एल एम एंड एन आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बार प्लस टू बी बार माइनस सी बार इज। अब हमको क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम एल लिखेंगे, एल एम एन एन। एल इज इक्वल टू क्या होगा, 0/5√2, 0/5√2। तो इसका आंसर आएगा 0। तो हमको एल मिल गया। एम हमारा क्या बनेगा, 5/5√2। तो 5/5√2, तो इसका आंसर आएगा 1/√2। तो हमको एम मिल गया। और एन, एन के लिए हम क्या करेंगे, -5/5√2। तो एन इज इक्वल टू -5/5√2। तो इसका आंसर आता है एन इज इक्वल टू -1/√2। तो इस तरह से हम डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।